सो हेलो गाइस, व्हाट्स अप एंड वेलकम बैक टू द चैनल। बहुत दिनों बाद आपसे मुलाकात हो रही है, मोर देन वन ईयर आई गेस। द रीजन फॉर दिस वीडियो इज टू टेल यू गाइस अबाउट माय लाइफ अपडेट। लाइफ में क्या चल रहा है, बीइंग एन इंजीनियर मैं क्या कर रहा हूँ, क्या मैं आईटी जॉब कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, एवरीथिंग जो मुझे लगता है कि आपको बताना चाहिए, वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो। सबसे पहला, बीइंग एन इंजीनियर मैं क्या कर रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं आईटी जॉब नहीं कर रहा हूँ अभी, लिटरली अभी तक नहीं किया। लास्ट ईयर आई ग्रेजुएटेड फ्रॉम माई कॉलेज इन 2023 एंड आई गॉट द ऑफर लेटर फ्रॉम LTI Mindtree। बट एज यू नो, अभी आईटी फील्ड में रिसेशन पीरियड इज देयर, जॉब्स नहीं है बेसिकली। आई मीन जॉब्स है बट मैं उतना शायद लकी नहीं हूँ कि मैं किसी भी आईटी कंपनी में जा सकूँ। सो यू ऑल्सो नो दैट आई हैव अ कीड़ा ऑफ ट्रैवल कॉन्टेंट क्रिएशन, जो मैं बहुत सालों से करना चाहता था। तो मैंने सोचा जब तक कोई जॉब मिलती है मुझे, तब तक मैं इस ट्रैवल कॉन्टेंट क्रिएशन को क्यों ना एक्सप्लोर करूँ, क्यों ना इस इंडस्ट्री को जानने का ट्राई करूँ। सो आफ्टर ग्रेजुएटिंग फ्रॉम माई कॉलेज इन द मंथ ऑफ जून आई गेस, आई जॉइंड अ कंपनी इन पुणे। एंड उसको ज्वाइन करने के बाद मुझे ऐसा लगा था कि मैं उनके लिए ट्रैवल कंटेंट क्रिएशन करूंगा, बट वो एक्चुअली एक वीडियो एडिटिंग जॉब था। लिटरली मैं पुणे इसलिए गया था कि मुझे लगा कि मैं वहां पे जाके अपने शूटिंग के टैलेंट को, अपने स्क्रिप्टिंग के टैलेंट को आराम से एक्सप्लोर करूंगा। एंड अगर मुझे और भी कुछ सीखना पड़ा इस ट्रैवल इंडस्ट्री से रिलेटेड तो मैं वो सीखूंगा, बट वैसा हुआ नहीं। सबसे पहला तो वो 9 to 5 जॉब था, बेसिकली वो 9 to 5 नहीं था, 9 to 7 बोल दो आप उसको, तो वैसा जॉब था। एंड सेकेंडली वो एक प्रॉपर वीडियो एडिटिंग जॉब था, तो वहाँ पे आप एक सिस्टम पे बैठे हुए हो एंड यू आर डूइंग फुल डे वीडियो एडिटिंग। एंड यू नो हर स्टार्टअप कंपनी में थोड़ा सा वर्कलोड होता है, वो बहुत ज़्यादा होता है। तो बीइंग इन पुणे फॉर 6 months, आई हैवंट एक्सप्लोर्ड पुणे। जबकि आपको पता है फॉर ट्रैवल लवर और फॉर नेचर लवर, पुणे इज अ व्हाट कैन आई से अ हब फॉर अ ट्रैवलर्स, बट मैंने कुछ भी एक्सप्लोर नहीं किया। सो आफ्टर डूइंग 6 months, आई डिसाइडेड टू स्किप दिस कंपनी एंड ट्रैवल बैक टू माई होम टाउन, दैट इज कोलकाता। सो द क्वेश्चन इज व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ। सो बेसिकली राइट नाउ आई एम डूइंग कॉन्टेंट क्रिएशन एंड वीडियो एडिटिंग ऑल्सो, फ्रीलांस वीडियो एडिटिंग। आई एम वर्किंग विद अ कंपनी, अ ट्रैवल कंपनी। आई डोंट नो इफ यू गाइज हैवंट हर्ड इट और नॉट, बट द कंपनी नेम इज इंडिया हाइक्स एंड इट इज बैंगलोर बेस्ड कंपनी एंड आई एम वर्किंग विद देम एज अ शॉर्ट फॉर्म वीडियो एडिटर। दिस इज अ पार्ट टाइम जॉब, दे आर पेइंग मी एज पर प्रोजेक्ट बेसिस राइट नाउ। And apart from this India Hacks opportunity, I am working with 2 to 3 creators as a freelance video editors. I am editing their videos, basically a short form, Instagram reels and everything. And this is totally a remote setup. So, मैं घर पे हूँ या फिर मैं कभी भी travel कर रहा हूँ या फिर मैं vacation कर रहा हूँ, मैं कहीं से भी ये चीज़ कर सकता हूँ। So, ये बहुत अच्छा चल रहा है। Why I haven't joined any IT company after graduating? मेरा यही था कि जो IT job होगा वो backup ही रहने वाला है and मैं अपना ज़्यादा से ज़्यादा focus content creation पे करूँगा, क्योंकि एक inner child है जो ये सोचता है कि हम भी YouTube में 1 million subscribers and Instagram में 1 million subscribers कर सकते हैं। ऐसा believe है कि मैं कर सकता हूँ, मैं इस line में आया हूँ। इसलिए मैंने after graduating I joined the startup company, बहुत सीखने को मिला वहाँ से। What is branding? How you represent yourself to the brand? क्योंकि जब मैं उस कंपनी को ज्वाइन किया था तब मेरा पीक अकाउंट रीच था इंस्टाग्राम में, वो 13 million था basically। But फिर भी मैं खुश नहीं था अपने काम से। There's something कि I really want to do, जो मैं अब start किया हूँ आस्ते आस्ते। How much I am earning right now? ये एक question है, क्योंकि I don't want to reveal this. Maybe in the next video I will reveal, क्योंकि वो भी बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत लोग सोचते हैं कि वीडियो एडिटिंग से, कंटेंट क्रिएशन से आप इनकम जनरेट नहीं कर सकते। बट या गाइस, यू कैन डू, आई कैन डेफिनेटली से दैट यू कैन डू, बट आपको एक प्रॉपर गाइडेंस चाहिए। देयर इज नो सच रोड मैप ओवर हियर, सो या यू नीड सम गाइडेंस। जो पहले ये काम कर चुके हैं उनसे आपको कुछ एक्सपीरियंस चाहिए, उनके एक्सपीरियंस चाहिए बेसिकली टू मूव फॉरवर्ड इन दिस न्यू जॉनर।